वही ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर कुशीनगर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौत से गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आबकारी विभाग और पुलिस पर वसूली करने का आरोप लगाया। बता दें कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराकर मौत के सही कारण पता का लगाने के लिए गुहार लगाई। इसके साथ ही पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला कुशीनगर के कस्या थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो दारू बना रही थी ना, हाँ। तो ये लोग गए हैं, तो पकड़ लिए हैं लोग। कौन गया था? अबकारी भी गया, तो गए लोग तो पकड़ लिए हैं लोग। तो वो बोली है छोड़ दीजिए लोग, तो बोले हैं 10,000 रुपया लाओ। तो ये बोले मेरे पास नहीं है, तो कर तो वो लोग धक्का दे दिए लोग, धक्का दे दिए लोग, तो मारे हो रहे लोग। तो बुआ फोन किए हम लोग के पास, आए हम लोग गोड़ और पकड़े लोग, तो झिटका दिए लोग, तो गाड़ी खोदी छापा मारता लो, 50,000-30,000 रुपया रोज हमसे बालो लेता। अच्छा छापा मात्र मार के मंगावता लो, कहे मात्र मंगावता लो, कोरी तब नहीं करी तब सिपाही नहीं रहा लो। कहाँ के सिपाही? थाना के ले जा लो, थाना कस्या अंतर्गत ग्राम ऐसाहा टोला सदर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्युरी प्रकरण की सूचना थाना स्थानीय पुलिस को प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर सौ के पंचायतनामा के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। परिजनों और ग्रामवासियों से पूछताछ पर प्रथम दृष्टया महिला के पूर्व से निवारण कारण इलाजरत होना बताया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों सभी पहलुओं पर गहराई से जांच शासन की मंशा के। वही खबर गाजियाबाद से है, जो गाजियाबाद के लोनी में अवैध कॉलोनियों के निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसा है। बता दें कि आम गरीब जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस मामले में लगातार हो रही कार्रवाई के बाद भी भूमाफिया के हौसले बुलंद रहते हैं। बताते चले कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने 6 अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप जो है अवैध जो है कॉलोनियां जो विकसित हो रही हैं, लोग जो है अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, शासन की मंशा के अनुरूप उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इस तरह से अवैध कॉलोनियां ना डेवलप हो, जो जो सुनियोजित विकास के तहत ही कॉलोनियां डेवलप हों, उन लोग जो है लेआउट पास कराएँ। इसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा ही कार्रवाई की जा रही है और प्राधिकरण से जो है कार्रवाई अन्य जोनों में हर जगह की जा रही है। इस जो यहाँ लोनी में भी सभी जो भी अवैध कॉलोनियाँ हैं सबके खिलाफ कार्रवाई। सर कितने कॉलोनियर के खिलाफ अभी कार्रवाई हुई है? अभी जो है अभी तो एक कॉलोनियर के खिलाफ हुई है, अभी आगे और भी जितने भी कॉलोनियाँ होंगी आज हम करेंगे, फिर इसके बाद भी जो हमारे। सर क्या किसी ने कोई विरोध वगैरह भी कुछ किया यहाँ पर? सर कब तक कार्यक्रम चले रहे हैं? कार्यक्रम तो हमारा चलता रहेगा। अरे सर एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जो कॉलोनी टूटती है वहाँ पर शिकायत आती है कि दोबारा बसती है, उनको रोकने के लिए क्या कार्य किस तरह की जो कार्य किए जाएंगे तो दोबारा ना बन पाए? रोकने के लिए थोड़ा उस पर निगरानी रखी जाएगी, फिर उनको वो किया जाएगा, पुलिस को चिट्ठी भेजी जाएगी कि भाई पुलिस के लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। खबर सूरत से है, जो नशा करने के उपयोग में आने वाली टैबलेट व सिरप बेचने वाले अमी मेडिको संचालक पर फूड एंड ड्रग्स विभाग और एसओजी की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान सिरप लक्षण नाम की दवाई को भी बरामद किया गया है। खबर प्रतापगढ़ से है, जो रामचरित मानस की चौपाइयों को लेकर टिप्पणी करने और हटाने की मांग कर रहे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एवं डॉक्टर आर के वर्मा अभी हमारे देश के लिए
अनुष्ठान किया गया है और शांत देवी की पूजा में लगभग 7,000 महिलाएं शामिल हुई हैं। इसके साथ ही भाजपा नेता प्रतिभा सिंह, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष, भाजपा महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमारे धर्म पर आरोपित किया, हमारे धर्म को जो है अवहेलना की हमारे धर्म को, तो इस होर्डिंग का मतलब था, हमने एक संदेश रामायण एक हिंदू धर्म है, हमारे जो संत सनातन धर्म में है रामायण को अपना धर्म माना जाता है, श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है और तुलसीदास जी को एक मर्यादा से भरे हुए एक जो है ब्राह्मण को उन लोगों ने अशोभित किया है। तो इसको रखने का एक तात्पर्य ये है, हम उन्हें संदेश देना चाहते हैं कि संत सनातन धर्म में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी अवहेलना आप करें। हमारी मातृ शक्तियाँ प्रार्थना करती हैं और मैं स्वयं भी जो है कुछ सपा के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, हमारे रानीगंज के विधायक हैं आर के वर्मा जी, उन्होंने भी हमारे जो है रामचरित मानस के चौपाइयों के ऊपर टुकड़ी की है और मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि जिन्होंने भी धर्म को अधर्म बताया है या उससे संबंधित भावनाओं को ठेस पहुँचाया है, संत सनातन धर्म की सभी महिलाएं यहाँ पर जो उपस्थित हैं सभी ने ये प्रार्थना की है कि उनको समुचित माता रानी ये समझ दिखाए, प्रभु राम से ये अनुरोध है, प्रार्थना है कि उनको ये समझ में आए कि धर्म को अधर्म बताना। वही खबर एजा से है, जायजा में छात्र को स्कूल नहाकर न जाना काफी भारी पड़ गया। बता दें कि स्कूल प्रबंधक ने यूकेजी के छात्र को जमकर पीट दिया। इसके साथ ही नितेश एसजेएस कॉन्वेंट नासिरपुर स्कूल का यूकेजी का छात्र है, घायल छात्र का मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है। वही पीड़ित पिता के तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई। पूरा मामला कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के एसजेएस कॉन्वेंट स्कूल नासिरपुर का बताया जा रहा है। हम नाकर नहीं गए इसीलिए टीचर ने मारा। क्या नाम है टीचर का? विनय। विनय, कहाँ पढ़ते हो आप? एसजीएस कॉन्वेंट स्कूल। कहाँ पढ़ता है ये? नगरा और नासरपुर। नासरपुर के पास। आपकी चोट कहाँ पर लगी है? पैर में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। मेरे बच्चे किसी मामले से प्रिंसिपल है ना विनय सर जी, उन्होंने बंदा मारा। किस बात को लेकर? सिर्फ बच्चा आज सुबह नहा के नहीं गया। कहाँ रहते हैं? गांव हिम्मतपुर है। थाना कौन सा लगता है? कितनी चोट आई है बच्चे के? चोट दी है आपके सामने ही है। क्या कहाँ लगी है? उसके मुराबे पे लगी है। विद्यालय कहाँ पे है ये? विद्यालय है नासिरपुर के पास में बम्बा के। मैं खबर उन्नाव से है, जहाँ दूसरी क्लास में पढ़ने वाली मासूम के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जनपद के काशीराम चौकी से बच्चे स्कूल से वापस घर लौट रही थी, इसी दौरान विशेष समुदाय का एक युवक बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वहीं घर नहीं लौटने पर परिजनों ने बच्ची को ढूंढा है, उसके साथ मासूम घर के पास हालत में मिली। परिजनों ने मासूम से पूछताछ की तो मामला छेड़छाड़ का सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। दूसरी तरफ हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत पत्र सौंपा है। बच्ची आपकी कब गायब हुई थी? हमारी बच्ची सुबह शाम को 3 बजे से गायब हो गई है। हमारी बच्ची को मिली कितने टाइम है? सुबह 5 बजे हमारे घर पे बच्ची को पहुंचाया गया है। किसने पहुंचाया, नाम है उसको मालूम? अपने दरवाजे से छोड़ दिया है, हमारी बच्ची से कह दिया है कि जाओ तुम अपने घर पे चली जाओ। हमारी बच्ची अकेले रोते हुए पहुँची है। क्या नाम है उसका जो ले गया था? उसको जनाब का नाम है। हमारे बच्ची को बहुत कितना बड़ा, कितनी उम्र है उसकी? लमसम उम्र इसकी होगी 20 साल से ऊपर। हमारी बच्ची खुद बताया है कि जिसने हमको पकड़े रहे हैं, मारा है, पीटा है, सब काम किया है। पुलिस जब सिलसिला चला तो पुलिस जाके मना किया है, उसको नहीं पाया है। घर से फरार है वो? घर से फरार हो कैसे था? हम पढ़ने गए थे 3 बजे के बाद में घर नहीं गई। 4 बजे जब हम लोग पता पाया ढूंढने निकले, सारी रात सारा दिन हो गया ढूंढ रहे, नहीं मिली। फिर 5 बजे हमारे घर के पास आए, उसको देखे वो, फिर हम जाके पुलिस आ गए। पुलिस अपने अंदर निकल लिया, उसके जाके उसके घर पर गए, सबको बताया, वो पुलिस अपने हाथ से पकड़ के लाए। और
जो लड़के थे हम कभी ऐसे है नहीं, हमारे ड्यूटी करने वाले सर हैं, सुबह काम करते थे, शाम को खा के सो गए, सुबह फिर काम करने चले आए। लड़के बच्चे अपना ये रहती अपना ये ड्यूटी भालती है। बीती रात करीब 10 बजे रात में एक व्यक्ति आकर के थाना कोतवाली में सूचना देता है कि हमारी लगभग 8 वर्ष की बेटी जो स्कूल गई थी, स्कूल से वापस घर नहीं आई। हमारी पत्नी आसपास खोजबीन की, मैं अभी काम से वापस आया हूँ, फिर मैं थाने पे शिकायत करने आया हूँ। सूचना पाकर तत्काल एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मैं स्वयं थाना प्रभारी कोतवाली भारी फोर्स के साथ परिजन भी हम लोग रात भर उसको खोजते रहे। सुबह तहसील गेट पर वो लड़की सकुशल मिली। उसके मिलने से उससे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि एक व्यक्ति जो कांसीराम कॉलोनी में रहता है उसे बहला फुसला कर ले गया था, उसके साथ गलत कार्य किया। उसके निशानदेही पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया। मुकदमे में धारा 376 ए बी की बढ़ोतरी की गई, उस आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। उसको गिरफ्तार करके न्यायालय रिमांड के लिए भेजा गया है। आगे अन्य भी तथ्यों की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पे आगे भी। वही खबर कासगंज से है, जो पुलिस अधीक्षक कासगंज के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना पचवाली पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ थाना कासगंज पर आर्म एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर कासगंज से है, जो आगामी पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री सौरभ दीक्षित द्वारा थाना कासगंज क्षेत्रांतर्गत पैदल गश्त किया गया। इसके साथ ही आगामी पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक कासगंज श्री सौरभ दीक्षित द्वारा जनपद के थाना कासगंज क्षेत्रांतर्गत मुख्य बाजार और मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर पैदल गश्त किया गया। इसके साथ ही आम जनमानस से वार्तालाप कर शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की भी अपील की गई। अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। वहीं सोशल मीडिया पर पुलिस सतर्क दृष्टि भी बनाए हुए। खबर मंडला से है, जो योजनाओं का लाभ दिलाने गांव गांव विकास यात्रा शासन को योजनाओं की जानकारी देने पहुंच रही। इसके साथ ही योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही। आपको बता दें कि इस दौरान विकास कार्यों के भूमि पूजन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंडला जनपद के ग्राम पंचायत हृदय नगर विकास यात्रा पहुंची। यात्रा में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी गण शामिल रहे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। वही विकास यात्रा के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद संपतिया उइकी के द्वारा 7 लाख की लागत से नरेश के घर से कदमाही तालाब तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of engine.